नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। मैं निशा चड्ढा इस वक्त गगल एयरपोर्ट से लाइव तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़ी हूँ। आपको लाइव तस्वीरें दिखा पा रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर कितने लोग जो हैं मौजूद हैं, और कुछ ही देर में यहाँ पर पूर्व मंत्री जी एस बाली जी का पार्थिव शरीर पहुँचने वाला है। आपको बता दें कि परिवार भी इनके साथ ही पहुँचेगा। और साथ ही देर रात दिल्ली में एम्स में इन्होंने अपनी आखिरी सांसें जो हैं वो ली थी। काफ़ी समय से जो है बीमार चल रहे थे। काफ़ी लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त थे और इनका इलाज जो है लगभग 1.5-2 महीने से दिल्ली एम्स में चल रहा था। और पिछली बीती रात को देर रात को इन्होंने आखिरी सांसें जो हैं एम्स अस्पताल में ली हैं। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री जी एस बाली का पार्थिव शरीर जो है एयर एम्बुलेंस के द्वारा दिल्ली से यहां गगल एयरपोर्ट तक लेकर आया जाएगा। आपको बता दें रविवार को उनका पार्थिव शरीर ओबीसी भवन अग्रोटा बगवा 10 बजे से 2 बजे तक अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा, यानी कि कल। और उसके बाद जो है अंतिम संस्कार जो है चामुंडा नंदकेश्वर में किया जाएगा। आपको बता दें कि 7 जुलाई 1954 में इनका जन्म हुआ था। एक बार दोबारा से बताएंगे, 27 और 29 आखिरी सांसें दिल्ली एम्स अस्पताल में ली। आपको बता दें कि मंडी उपचुनावों में ये बतौर जो है प्रभारी वहां पर थे। आप जो इस वक्त हमारे सामने वाहन देख रहे हैं, इसी वाहन में गगल एयरपोर्ट से जो है श्री जी एस बाली जी का पार्थिव शरीर जो है उनके घर तक लेकर जाया जाएगा। और मैं आप बता दें, सूत्रों के अनुसार पता चला है कि एम्स दिल्ली में उनका जो है किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। आपको बता दें कि कांगड़ा ही नहीं, पूरे समूचे पूरे हिमाचल प्रदेश में शोक की लहर इस वक्त है। आप देख पा रहे हैं कितने लोग यहाँ पर जो है मौजूद हैं। पूर्व मंत्री जी एस बाली के चाहने वाले खबर मिलते ही दिल्ली जो है वो रवाना हो गए थे। और यहाँ भी लोगों का कम तांता देखने को नहीं मिल रहा है। गगल एयरपोर्ट पे जो है लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपके साथ जुड़े हैं लेकर। और आपको एक बार फिर से बता दें कि कल जो है चामुंडा नंदकेश्वर में का संस्कार किया जाएगा, और उसके बाद अगले कल रविवार को नगरोटा समुदाय भवन में इनका पार्थिव शरीर दर्शनों के लिए रखा जाएगा। आपको बता दें कि 1998 सन से 2012 तक लगातार विधायक रहे थे ये। कुछ ही देर में जो है इनका पार्थिव शरीर जो है गगल एयरपोर्ट पहुंच जाएगा।
आप देख सकते हैं किस हिसाब से जो है भीड़ उमड़ी है उनके पार्थिव शरीर के दर्शनों के लिए। एयर एम्बुलेंस में जो है उन्हें दिल्ली से यहाँ पे लाया जा रहा है उनके पार्थिव शरीर को, और साथ ही दूसरे जो परिवार है वो भी उनके साथ ही जो है आएंगे। उनसे पहले जो है परिवार पहुंच जाएगा, उसके बाद जो है एयर एम्बुलेंस गगल एयरपोर्ट पहुंचेगी। अगर रोजगार की बात की जाए तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय जेएस बाली के द्वारा जिला कांगड़ा में ही नहीं हिमाचल के कई जगहों पे युवाओं को रोजगार दिलवाया गया इनके द्वारा। सबसे प्रेम भावना के द्वारा जो है बातचीत करते थे ये, किसी से कोई भी हीन भावना देखने को नहीं मिली इनके अंदर। छोटे बड़े से हर किसी से प्रेम भाव से ही बात करते नजर आए हैं। यहाँ पे बहुत लोग जो हैं मौजूद हैं, और कुछ लोगों से जो है हम जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। उनकी बिगड़ी है तो तमाम नेता जो है वो दिल्ली पहुंचे। आप इस वक्त लाइव जुड़े हैं गगल एयरपोर्ट से, लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। आप देख पा रहे हैं कि उनके चाहवान किस तरीके से एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं, उनके दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। चाहवानों के साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। हालांकि शब्द तो नहीं रहते ऐसे माहौल में, लेकिन फिर भी चाहवान जो है यहाँ पे मौजूद हैं। पंकज जी, आप गगल एयरपोर्ट में स्वर्गीय जेएस बाली जी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसी सिचुएशन में? कुछ नहीं, बस अपने नेता का पहले स्वागत करने आते थे तो खुशी के माहौल में आते थे, आज गम के माहौल में आए अपने लीडर को लेने, अपने मार्गदर्शक को लेने। बहुत कुछ सीखा है मैंने, राजनीति नहीं सीखी, मेरे राजनीति गुरु थे। उससे ज़्यादा 12 साल हो गए इस परिवार से जुड़े हुए, तो मेरा दूसरा परिवार था ये पॉलिटिकल, तो बाद में पॉलिटिक्स बाद में, लेकिन सबसे पहले इनके साथ एक इंटरनल इतनी कड़ी अटैचमेंट है जैसे मेरे दूसरे पिता समान है। मेरा पहला परिवार चढ़ी में है, मेरा दूसरा परिवार मेरा ये कांगड़ा नगरोटा का था, तो पर्सनल लॉस मेरा तो इतना अगर पर्सनल लॉस हुआ है कि बता नहीं सकते, शब्द नहीं है मेरे पास बोलने। दूसरा रहा पार्टी की बात, तो पार्टी में एक वीरभद्र जी थे, उनके बाद दूसरा स्तंभ जो था हमारा जीएस वाली से ऊपर अभी कोई लीडर बचे नहीं थे मेरे ख्याल से। राजनीतिक गुरु मानते हैं अपना जी, मानते हैं जी। इस समय पे
बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ है कांग्रेस को भी और कांगड़ा की जनता को भी। रोज़गार की अगर बात की जाए तो काफ़ी बेरोज़गारों को रोज़गार दिलवाया गया है इनके द्वारा, और उसी की हम तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत लोग इकट्ठे भी हुए हैं। इस मामले में क्या कहेंगे? 2012 में मेरा जुड़ने का सबसे बड़ा कारण ये था, इन्होंने जब रोज़गार संघर्ष यात्रा की थी तो मैं उनके साथ हुआ था। कुछ ना कुछ तो रोज़गार दिलवाए हैं लोगों को, बोल सकते हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कोई रोज़गार और युवाओं के बारे में सोचते हैं तो वो बस यही सोचते हैं। जी एस बाली जी के साथ मेरा जुड़ने का सबसे पहले इसी वजह से जुड़ा था कि वो युवाओं के बारे में सोचते थे, उन्होंने रोज़गार संघर्ष यात्रा, और सबसे बड़ी बात बताऊँ कि उन्होंने बेरोज़गारी भत्ता भी दिलाया था अपनी ही सरकार में। तो पर्सनल लॉस है, हमारे युवाओं का बहुत बड़ा लॉस है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा लॉस है, और कांग्रेस पार्टी का, और पर्सनल मेरा तो मैं शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं क्या बोलूँ। जी बहुत शुक्रिया। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर भावुक हैं और नम आंखों से उनके पार्थिव शरीर का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर पंकज की बात करें, युवा कांग्रेस युवा के अध्यक्ष भी हैं और अध्यक्ष भी हैं, साथ ही इन्होंने कहा कि इनके राजनीतिक गुरु थे, और बहुत सारे राजनीतिक गुरुओं के अलावा बात की जाए तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया है। कह सकते हैं कि एक ही घर में 2 से 3 लोगों को भी इन्होंने कई घरों में रोज़गार दिया है। आप लाइव देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त एक जो है लैंड हो रहा है यहाँ पे, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। कुछ ही देर में आपकी जो लाइव तस्वीरें जो हैं हम जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि कौन जो है यहाँ पर गगल एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं। पार्थिव देह पहुँचा है या फिर परिवार के लोग पहुँचे हैं। मनजीत सिंह जी, इनका बीती रात को जो है वो देहांत हुआ है, एम्स दिल्ली में इन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली हैं। किडनी ट्रांसप्लांट का इनका वहां पर सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो की गई थी उस अस्पताल में। बीती रात को अचानक उनकी तबीयत जो है वो बहुत खराब हो गई थी। थोड़ी देर में एयरपोर्ट इस कांगड़ा आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं एक फ्लाइट जो है यहाँ पर लैंड हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि पार्थिव देह यहाँ पर पहुँचा है या परिवार के लोग जो हैं वो पहुँचे हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से देख सकते हैं बाली जी का शव कांगड़ा की धरती पर कुछ ही क्षणों में जो है पहुँचने वाला है। कुछ ही देर में जो है पहुंचने वाला है। देर में यहाँ पर जो पार्थिव शरीर है वो गेट से होकर यहाँ पर अंदर ले जाया आएगा, और निगाहें सभी की टिकी हुई है इस वक्त, उनके तमाम चाहने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। अभी जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं वो अपने नेता का जो है आखिरी बार एक बार दीदार करने के लिए यहाँ पर जो है जनता जनार्दन पहुँच चुकी है। मैं आपको थोड़ा सा रुक करवाता हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरे पीछे जो है लोगों का हुजूम है। लीडरों का एकदम से जाना, अचानक से जाना, कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के लिए नुकसानदायक प्रतीत हो रहा है, लेकिन बाकी का फैसला जो है तमाम संगठन किस प्रकार लेता है ये तो उनके छोड़ दिया जाना चाहिए।
चुकी थी, पर एक साल में दो कांग्रेस के लीडर क्योंकि पूर्व में रहे मुख्यमंत्री। आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहां पर पहुंचे हैं और किस तरीके से जो लोग यहां पर बेचैन हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। कांग्रेस की ही बात ना की जाए, आम जनता को इनके जाने से जो है बहुत क्षति जो है यहाँ पहुँची है। आप देख सकते हैं कि कांगड़ा लेके जाया जाएगा, उसके बाद कल का जो क्या कुछ प्लानिंग है वो भी आपको बताते हैं। तो जितने दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि कल जो है नगरोटा भगवा समुदाय भवन में जो है उनको अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा जाएगा और साथ ही चमुंडा नंदकेश्वर में अंतिम संस्कार किया जाएगा और समय जो है सुबह 10 से लेकर 3 बजे तक का है। जैसे ही पार्थिव शरीर जो है यहाँ पे पहुँचेगा और यहाँ से जब निकल के घर के रवाना किया जाएगा, उसकी लाइव तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें लाइव टाइम्स टीवी के साथ। मिलते हैं अगले लाइव में, तब तक के लिए नमस्कार।